दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुण की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना जाता है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। दोस्तों, धनतेरस को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से धन के देवता कुबेर, सुख समृद्धि और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी तथा देवों के वैद्य धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से आपको धन संपदा समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी आपको रोग मुक्त जीवन प्रदान करते हैं तथा कुबेर आपके धन की रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन आभूषण और घर का सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मिट्टी की या फिर सोने चांदी की खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। तीसरी चीज़ है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदने शुभ होते हैं। यह विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर ज़रूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। चौथी चीज़, धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्य उदय होता है। धातु के बने बंतर व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। पांचवी चीज़ है मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्यौहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक ज़रूर खरीद दे। और छठवीं चीज, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। नौवीं चीज़ है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट ज़रूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। दसवीं चीज़ है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाएं। ये कमल के फूल के बीज होते हैं। इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
आप कम से कम 7 कमल गट्टे जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। 11वीं चीज है कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उनकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। 12वीं चीज है कौड़ी। दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दीपावली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कभी भी कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों धनतेरस और दीपावली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है, परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन किसी को रुपए आधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दीपावली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूल वश भी जूते चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है, गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तु शास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है, उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों धनतेरस के दिन इन चीजों को बिल्कुल भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर लाते हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आए। नंबर 2, इसके बाद वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। नंबर 3, स्टील के बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचें। नंबर 5, लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, नुकीली या धारदार चीजें। दोस्तों धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।